जमशेदपुर घाटशिला थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने गांव के ही एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं सूचना पाकर एसडीपीओ और घाटशिला थाना प्रभारी गांव पहुंचे और ग्रामीण और पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी लिया। परिजनों के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कराया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना से परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया और कड़ी से कड़ी सजा की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। वहीं एसडीपीओ कुलदीप टोप्पो ने कहा कि शराब पीने के बाद आरोपी ने दुष्कर्म किया और गमछा से गला घोट दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमशेदपुर से शिवशंकर शाह की रिपोर्ट। किया गया है सूचना पे हम सभी दल बल के साथ थाना प्रभारी प्लस थाना के एसआई रुक्मणी अंचित प्लस हमारे जो सीओ साहब हैं समितकर घटनास्थल पर गए। उसका निरीक्षण किए, पूछताछ करने में पता चला कि उस गांव में वह कोई माडी करके एक परिवार है, उसमें उसका क्रियाक्रम था। ये लोग सब मिलकर वहीं पे बैठ के दारू रुकिया, उसका शौक में वहां दारू रुकिया, लेकिन वो बलराम दास के यहाँ सब दारू रुकिया। उसमें उस पीड़िता के पिता भी थे मौजूद। इसी बीच वो लोग मोबाइल देख रहा था और ये जो लड़का है जो आरोपित है वहाँ से किसी तरह निकला और आंगनबाड़ी केंद्र गली के पीछे में उस लड़की से उसका मुलाकात है, वहीं पर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका गमछी से गला घोट कर हत्या कर दी। सर आरोपी से आरोपी को अपने पकड़े हैं कि नहीं? हाँ, आरोपी को पकड़ के लाया गया है और फिर जेल में।